हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल telecomguru.in में। सो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहना, इससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है आपके लिए ऐसे ही नया नया वीडियो बनाने के लिए। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर दो। अब चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। सो फ्रेंड्स, टेलीकॉम नेटवर्क में ये ऑफ टाइम क्या है, कैसे होता है, क्या इसका कैलकुलेशन, इसका मायने क्या है, क्यों ये टेलीकॉम, ये ऐसा नहीं कि ये टेलीकॉम नेटवर्क में ही यूज होता है, ये कोई भी सिस्टम हो, कोई भी डिवाइस के लिए होता है, कोई भी सिस्टम के लिए होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ये कैलकुलेशन किया जाता है। उसका ऑफ टाइम का मतलब होता है ये एक मानक है, ये एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। उसको कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, तो क्यों किया जाता है वो तो बाद में बात करेंगे, पहले हम कैसे किया जाता है। फ्रेंड्स, ऑफ टाइम एक मैट्रिक्स है जो उस समय के परसेंटेज को इंगित करता है जब कोई सिस्टम या डिवाइस सफलतापूर्वक परिचालित होता है। यह एक संदर्भ है कि कोई सिस्टम कितनी देर तक चलता रहता है, कितनी देर तक यह काम करता है। और जब हम टेलीकॉम नेटवर्क की बात करते हैं, ये टेलीकॉम नेटवर्क में जो ऑफ टाइम है ये उस समय को या उस परसेंटेज को, उस मैट्रिक्स को इंगित करता है जब कोई नेटवर्क सक्रिय रहता है या चलता रहता है, तब ये टेलीकॉम का नेटवर्क कहलाता है, ये ऑफ टाइम, टेलीकॉम नेटवर्क का ऑफ टाइम कहलाता है। तो चलिए एक सिंपल कैलकुलेशन के थ्रू हम इसको समझा रहेंगे कि ये टेलीकॉम नेटवर्क में ऑफ टाइम कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, उसका एक मानक, एक स्टैंडर्ड कैसे सेट किया जाता है। चलिए एक सिंपल कैलकुलेशन है उसको पहले हम समझ लेते हैं, चलते हम कैलकुलेशन की तरफ। 1 आवर, एक घंटे में 60 मिनट होता है, ठीक है। तो 1 डे, एक दिन में हमारा 24 घंटा होता है। अगर ये एक दिन में 24 घंटे को हम अगर मिनटों में कन्वर्ट करेंगे तो ये गुना 60 अगर करेंगे तो ये हो गया हमारा 1440 मिनट्स, ठीक है। मान लीजिए इसको अभी हम क्या करेंगे ना, एक महीने में उसका कैलकुलेशन निकालेंगे, एक महीने में कितना, मतलब एक मंथ जो कितना मिनट होता है। सो 1 मंथ, ये हो गया हमारा एक दिन का मिनटों में कन्वर्ट हो गया। एक मंथ में अगर हम निकालेंगे तो एक मंथ में जैसे कि 30 डेज होता है, सो 30 × 1440, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन बैठता है आपका 4320 मिनट्स, ठीक है। हम इसको मान लेते हैं एक्स, ये हमारा हो गया एक्स, ठीक है। मान लीजिए कोई एक सिस्टम में, मान लीजिए कोई हमारा जो टेलीकॉम नेटवर्क, कोई एक पर्टिकुलरली के साइड में जो हमारा आउटेज है, आउटेज जो है 21 मिनट्स है, ठीक है, 21 मिनट्स है। हम इसको मान लेते हैं y, जैसे कि हम इक्वेशन, तो ये हमारा एक इक्वेशन हो गया कि एक मंथ में या एक महीने में जो मिनट है ये हो गया हमारा 4320 मिनट्स, और उस महीने में एक पर्टिकुलर साइड में उस महीने में हमारा जो आउटेज है वो हो गया 21 मिनट्स। ये आउटेज क्या है, आउटेज का मतलब ये होता है कि कोई सिस्टम जब काम नहीं करता, मतलब किसी कारण की वजह से ये बंद हो जाता है या ब्रेकडाउन होता है, हम इसको बोलते हैं आउटेज। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि कोई एक, मान लीजिए कोई एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर जैसे कि आपका घर है, छत, घर के ऊपर छत है और उसमें पानी टंकी है, वाटर टैंक है, और उसका मान लीजिए कैपेसिटी है 500 लीटर का। तो क्या है ना कि अगर आपका पंप अगर चालू करते हो, आपको पता है उसको आधा घंटा अगर हम चालू करेंगे तो ये आधा घंटा में फिलअप हो जाता है, ठीक। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी आप मान लीजिए वो ये आधा घंटे के अंदर अंदर कभी लाइट चली जाती है, बिजली चली जाती है, तो उस समय क्या हो जाएगा, पंप बंद हो जाएगा, आपका पानी भरना भी मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए वो तो फिर बाद में जब वापस आएगा फिर चालू होगा, आप भरोगे। मान लीजिए ऐसे, मतलब मंथ में एक दिन, पहला तारीख किसी भी महीने का पहला तारीख में एक मिनट हुआ, ऐसे मान लीजिए 5 तारीख को ऐसे प्रॉब्लम हुआ था उसमें भी 2 मिनट होता है। ऐसे जो कैलकुलेशन होता है तो हम देखते हैं कि महीने भर में कितने समय तक हमारा जो मतलब पंप जो है
बिजली की वजह से हो सकता है, बिजली की वजह से पानी भरना मुश्किल हो गया, या ये भी हो सकता है बिजली है लेकिन हमारा पंप की पंप में कोई खराबी हो तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो कोई भी कारण की वजह से जब हमारा सिस्टम काम नहीं करता, हम इसको बोलते हैं आउटेज या ब्रेकडाउन। ठीक है, तो ये आउटेज हो गया हमारा 21 मिनट्स। तो सीधी सी बात है, अभी हम चलते हैं हमारा जो परसेंटेज ऑफ टाइम ये क्या होता है ना, सिंपल कितना समय अवेलेबल रहा, मतलब हमारा जो सिस्टम कितने समय तक चला, चलना चाहिए था हमारा इतना मिनट्स, मतलब 4, 3, 2, 0 माइनस कितने मिनट तक आउटेज था ना, 21 बटा कितना, मतलब होना चाहिए था कितना ना, 4, 3, 2, 0 ठीक है गुना 100। तो हम अगर इसको कैलकुलेट करेंगे ये बैठ जाता है 4, 3, 1, 7, 9 बटा 4, 3, 2, 0 इंटू 100। ये हो जाता है अगर परसेंटेज में इसको हम बताएंगे तो ये हो गया हमारा 99.95%। ठीक है, यही होता है ऑफ टाइम। मतलब हमारा एक टेलीकॉम साइड है, उस एक मोबाइल टावर का साइड है, उस मोबाइल टावर में महीने में 21 मिनट का ब्रेकडाउन हुआ था, किसका ना, बिजली सप्लाई का। बिजली सप्लाई 21 मिनट की वजह से हमारा टेलीकॉम सेवा जो है ये बाधित हुआ था। इसका मतलब हमारा जो भी हम मोबाइल से बात करते हैं, जो भी हमारा डाटा हम कम्युनिकेट करते हैं या इंटरनेट की चालू जो भी होता है, ये 21 मिनट तक हमको जो सिस्टम जो है ब्रेकडाउन में था। तो इसका मतलब परसेंटेज जो हम अगर इसका ऑफ टाइम निकालेंगे तो उस पर्टिकुलर साइड में ये हो गया 99। चलते हैं एक दूसरा साइड का एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई दूसरा एक साइड है और उस पर्टिकुलर साइड में हमारा आउटेज था, महीने का जो आउटेज था ये हमारा क्या है ना, 4 मिनट से। ठीक है, तो सेम परसेंटेज ऑफ टाइम आप वही फॉर्मूला डालिए, हो गया हमारा एक्स माइनस वाई अपन एक्स गुना 100, मतलब ये जो है। तो सेम चीज है, तो ये हो गया हमारा 4, 3, 2, 0 माइनस 4, 4, 3, 2, 0 इंटू 100। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा 4, 3, 1, 9, 6 बटा 4, 3, 2, 0 इंटू 100। तो इसको हम अगर कैलकुलेट कर देंगे ये निकल के आ जाता है 99.99%। ठीक है, तो अभी उम्मीद करता हूँ अभी थोड़ा बहुत जो ऑफ टाइम जो है, ये ऑफ टाइम आपको थोड़े बहुत समझ में आ जाता है। और ये ऑफ टाइम का कैलकुलेशन ऐसे ही किया जाए, मतलब कितना हमको जो है फुल्ली, मतलब मेरा जो साइट जो है या कोई भी सिस्टम 100% काम करना चाहिए, बट किसी कारण की वजह से ये अगर स्टॉप हो जाता है, चालू नहीं हो पाता है या ब्रेकडाउन होता है, तो कितने समय तक ये ब्रेकडाउन बना रहा, तो उसको हम अगर परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं ये हो जाता है हमारा ऑफ टाइम। तो फ्रेंड्स, हमारा देश भर में जो टेलीकॉम नेटवर्क का जो अलग अलग कंपनियां या टेलीकॉम नेटवर्क है, जैसे कि रिलायंस जियो का हो गया, VI मतलब वोडा और आइडिया का हो गया, एयरटेल का हो गया या BSNL हो गया, ये सब जो कंपनियां हैं ये अलग अलग अपना जो साइट है, देखिए इनका जो है देश भर में अलग सब जगह में इनका टावर जो है फैला हुआ है। तो ये देश भर में जो अलग अलग टावर है, तो क्या सब टावर का जो इम्पोर्टेंस एक जैसा है? नहीं, एक जैसा नहीं है। कुछ टावर्स जो है मतलब नॉर्मल, हम इसको बोलते हैं नॉर्मल टावर्स, इसमें कि जैसे कि उधर जो है ना कुछ उसका इम्पोर्टेंस थोड़ा सा कम है। कुछ टावर इस एरिया में, उस इलाका में, उस लोकेलिटी में जहां अगर वो टावर बंद हो जाएगा किसी भी कारण की वजह से, अगर हमारा नेटवर्क बंद हो गया तो इससे बहुत सारा नुकसान हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक बिजनेस मॉल है, एक बहुत बड़ा मॉल है,
उधर और कोई एक कॉरपोरेट सेक्टर है, तो कोई एक कॉरपोरेट का बिल्डिंग है, अगर वहाँ अगर टेलीकॉम का सेवा बाधित होगा, इसका मतलब है काफ़ी रेवेन्यू लॉसेस होता है। तो इस वजह से ये जो सारे कंपनियाँ जो है अपना अलग अलग साइड को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके रखे हैं। तो और हर एक कैटेगरी के लिए अभी बताने जा रहा हूँ कि कैटेगरी कैसा, तो हर एक कैटेगरी में अलग अलग जो है हमारा ऑफ टाइम भी कैलकुलेट करके रखे हुए, मतलब ये एक मानक है, एक स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड से हमको नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे गया तो इसका मतलब है हमारा अप डाउन काफ़ी डाउन चला जाएगा और इससे हमारा बिजनेस हैम्पर हो जाएगा, उस कंपनी का बिजनेस हैम्पर हो जाएगा। तो इसलिए सारे कंपनियां जो है ना, कोई भी हमारा टेलीकॉम नेटवर्क होने दो, कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन होने दो, कोई भी सेक्टर होने दो, तो पर्टिकुलर लेके एक सेट पॉइंट जिसको हम बोलते हैं अप टाइम, वो सेट करके रखते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा नॉर्मल टाइम। पर्टिकुलरली मैं टेलीकॉम की बात कर रहा हूँ, टेलीकॉम सेक्टर में, टेलीकॉम नेटवर्क में एक होता है नंबर वन हमारा नॉर्मल साइड, दूसरा हो गया हमारा हॉफ साइड, और तीसरा कैटेगरी का जो साइड है, ये कैटेगरी ऑफ साइड्स हो गया स्ट्रेटेजिक साइड। ठीक है, तो ये नॉर्मल साइड में जनरली जो हमारा ऑफ टाइम हमको जो है मेंटेन करके रखना है वो है 99.95%। अगर हम हाफ साइड की बात करते हैं, ये हो जाता है 99.97%। और हम स्ट्रेटेजिक साइड की बात करते हैं, ये हो जाता है हमारा 99.99%। ठीक है, तो ये नॉर्मल साइड क्या है, मान लीजिए ये जो कोई एक टेलीकॉम टावर जहाँ उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, मान लीजिए अगर टेलीकॉम थोड़ा कुछ बिजली की जाने की तरफ बिजली चली गई, या हमारा डीजी स्टार्ट नहीं हो पाया, या ऑटोमेशन में कुछ प्रॉब्लम हो गया, इस वजह से हमारा जो है नेटवर्क जो है डाउन हो गया, हम उसको बोलते हैं साइड डाउन, तो उसका अप टाइम हमारा 99.95% से नीचे नहीं जाना चाहिए, इसको हम मेंटेन करके रखना चाहिए। हॉब साइड, ये जो स्ट्रेटेजिक साइड, हॉफ साइड, नॉर्मल साइड, इसका मतलब है इसमें कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कि नॉर्मल साइड में जैसे कि कोई गांव एरिया हो गया, या उस इलाके में जो टावर है जहां इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, फिर भी हमको जो है 100% जो है बिजली सप्लाई देनी चाहिए, हमारा नेटवर्क जो 100% हमेशा चालू होना चाहिए, मतलब हमेशा मतलब है 24x7x365 डेज, ये हमारा प्राइवेट है, ये प्रायोरिटी को मेंटेन करके रखना हमारा दायित्व है, ये हमारा मतलब टेलीकॉम सेवा जो है इम्पोर्टेंस है उसका। सो कोई एक साइड अगर नॉर्मल साइड हो और उसमें थोड़ा बहुत क्या है ना, अगर बिजली जाने की वजह से नेटवर्क सेवा अगर बाधित हो रहा है, तो कम से कम 99.95% जो है हमारा ऑफ टाइम मेंटेन होना चाहिए। अगर हम हाफ साइड की बात करते हैं, ये हाफ साइड वही है जहाँ रेवेन्यू ज़्यादा आता है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल उस समय बताया था कि मान लीजिए कोई एक मॉल हो, या कोई एक मान लीजिए कोई एक बड़ा सा कॉरपोरेट बिल्डिंग हो, या एक मार्केट एरिया हो जहाँ बहुत बहुत बड़ा मार्केट हो, मार्केट एरिया, उधर कोई एक टावर है, अगर वो टावर क्या हो जाएगा कि साउडन अगर होगा तो काफ़ी रेवेन्यू लॉस होता है उस कंपनी का। पर्टिकुलर मान लीजिए मैं रिलायंस की अगर बात करता हूँ, तो रिलायंस उस पर्टिकुलरली टावर में काफ़ी सारा अगर उसका नेटवर्क अगर बंद हो गया तो क्या ना, बहुत सारे लाखों यूजर्स है, तो लाखों यूजर्स का जब ये बंद हो जाएगा तो काफ़ी रेवेन्यू लॉस होता है, इसीलिए उसको कैटेगराइज किया जाता है एज ए हॉफ साइड। तो उस हॉफ साइड में नॉर्मल साइड से थोड़ा इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, इसलिए उसका जो परसेंटेज होना चाहिए हमारा 99.97%। तो और एक साइड आ जाती है, उसका नाम है स्ट्रेटेजिक साइड। वो स्ट्रेटेजिक साइड वो है जहाँ एक साइड के साथ बहुत सारा टावर जुड़ा रहता है, जैसे कि हम BSC की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेके हम लेते हैं BSE, एक BSE जो बेस्ट स्टेशन कंट्रोलर है, एक BSE साइड को हम स्ट्रेटेजिक साइड बोलते हैं। ठीक है, या कोई एक लिंक साइड भी है, मतलब ये साइड में क्या होता है ना, या ये जो साइड में एक नहीं, एक टावर के साथ बहुत सारा 100, 150, 200, 500 टावर क्या रहता है ना, कनेक्टिविटी रहता है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक साइड। तो आप सोच लीजिए, जैसे कि मतलब एक नॉर्मल साइड
ऐसे 500, 200, 300, 400, 500 या 50 जो भी है, साइड एक स्ट्रैटेजी के साइड के साथ जुड़ा रहता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्ट्रैटेजिक साइड। तो आप इसका इंपॉर्टेंस अभी समझ जाते होंगे। तो अगर इसका इतना सारा साइड एक साइड में अगर कनेक्ट है तो इसका मतलब इसका इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। सो इस साइड में जो हमारा ऑफ टाइम होना चाहिए ये 99.99%, ऑलमोस्ट 100% ये होना चाहिए। हो जाता है कभी कभार, क्या होता है ना, कोई मतलब क्या दिक्कत तो किसी भी वजह से हो सकता है, आंधी आया, तूफान आया, कोई नेचुरल कैलामिटी आया, कुछ ना कुछ कारण की वजह से बंद हो सकता है। बट हमारा जो कोशिश ये होना चाहिए कि हमें ये जो ऑफ टाइम को इतना, ये जो तीन अलग अलग साइड है, ये तीन अलग अलग साइड में ये परसेंटेज को हमको मेंटेन करके रखना है। तो दोस्तों जब हमारा साइड, ये जो टेलीकॉम कंपनियां, बहुत सारा अलग अलग कंपनियां अलग अलग फैला हुआ है अपना अपना एरिया में, बहुत सारा टावर सब फैला हुआ है, तो जाहिर सी बात यह है कि ये जो हमारा नेटवर्क में जो भी इक्विपमेंट यूज होते हैं उनको पावर सप्लाई देने के लिए हमको जो है बहुत सारा इक्विपमेंट की ज़रूरत है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले अगर पावर सप्लाई चाहिए तो हमको जो है ईबी पावर, मतलब इलेक्ट्रिक बोर्ड से सप्लाई लेके हम इसको सप्लाई देंगे। चलिए अगर ईबी फेलोर हो गया तो हमको एक स्टैंड बाई सप्लाई चाहिए, हमको एक स्टैंड बाई पावर चाहिए, सोर्स चाहिए, तो होता है डीजी पावर, तो हमको डीजी भी रहना चाहिए। और अगर ईबी और डीजी दोनों में प्रॉब्लम हुआ तो हमको एक सप्लाई चाहिए जिसको बैकअप बोलते हैं, बैटरी बैकअप, तो बैटरी बैकअप भी चाहिए। तो इतना सारा इक्विपमेंट अगर है तो ये सारा इक्विपमेंट सालों साल चलता रहता है। अगर इक्विपमेंट चलता रहेगा इसका मतलब इसको मेंटेनेंस भी चाहिए। सो ऑपरेशन मेंटेनेंस उसके साथ साथ भी चलता रहता है, ठीक है। और अगर ऑपरेशन मेंटेनेंस की बात करते हैं तो ऑपरेशन और मेंटेनेंस जब चाहिए तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड भी चाहिए, मतलब एक एसओपी। एसओपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर, ठीक है। एसओपी होता है एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड प्रोसीड्योर चाहिए। तो इससे क्या फायदा होगा कि हम अगर स्टैंडर्ड एक गाइडलाइंस, मतलब मेंटेनेंस का एक गाइडलाइंस होना चाहिए, ऑपरेशन का एक स्टैंडर्ड प्रोसीड्योर चाहिए, तो इससे फायदा क्या होगा कि टेक्नीशियन चाहे कोई भी हो, इंजीनियर चाहे कोई भी हो, मोबाइल टावर किसी भी कोई भी साइड में हो, कहीं कहीं पर भी हो, तो जो भी रहेगा ये गाइडलाइंस को, ये एसओपी को फॉलो करता रहेगा। तो इससे क्या होगा, हमारा ये जो हमारा जो ऑफ टाइम है ये ऑफ टाइम जो है मेंटेन होता रहेगा, इसीलिए हमको ये एसओपी या गाइडलाइंस को फॉलो करना जरूरी है। चलिए तो कुछ गाइडलाइंस के बारे में बात करते हैं कि उसकी वजह से कैसे हमारा ऑफ टाइम जो है, ये जो मतलब जो कंपनियां लोग जो है ये सेट करके रखें, इसको हम मेंटेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो भी कुछ गाइडलाइंस है या एसओपी है उसको अगर हम फॉलो करते रहेंगे, चाहे कोई भी टेक्नीशियन हो, इंजीनियर्स हो, अगर उस फील्ड में उस नेटवर्क में काम करता है, ठीक है, या कोई सिस्टम नेटवर्क को छोड़ के कोई अगर दूसरा सिस्टम में भी काम करता है, तो कम से कम उस सिस्टम में जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनका कुछ गाइडलाइंस होता है तो उसको पालन करना जरूरी है। पीएम, इधर पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं, इधर पीएम का मतलब हो गया हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ठीक है। तो जो भी हमारा इक्विपमेंट है उस इक्विपमेंट, सारे इक्विपमेंट का मेंटेनेंस जो है ये क्वालिटी होना चाहिए, मतलब जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस फॉलो किया गया है, जो मतलब तैयार किया गया कंपनी की तरफ से, उस हिसाब से हमारा मेंटेनेंस होना चाहिए। नंबर टू है हमारा सारे साइड्स, सभी साइड्स को क्या करना चाहिए, ऑल द साइड्स, सारे साइड्स को ऑटोमेशन में रखना चाहिए, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब कोई भी इक्विपमेंट मैनुअल मोड पे नहीं चलेगा, जो भी चलेगा ऑटोमेशन में चलेगा, एक दूसरे से कनेक्टिविटी रहेगा, कंट्रोलर के थ्रू एक दूसरे को हम बंद करेंगे या चालू करेंगे, इसको हम बोलते हैं, जैसे कि पर्टिकुलरली डीजी की बात करते हैं, अगर बिजली चली गई तो डीजी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाना चाहिए, और अगर डीजी चलते चलते बिजली वापस आ गई तो डीजी ऑटोमेटिक बंद हो जाना चाहिए, इसको हम बोलते हैं ऑटोमेशन। सो सारे साइट को जो है ऑटोमेशन में रखना चाहिए, इससे क्या फ़ायदा होगा, ताकि कोई टेक्नीशियन जो है भागदौड़ कम हो जाएगा, मतलब उसको साइड बार बार जाना नहीं पड़ेगा। अगर मैनुअल मोड में हम डालेंगे, यार बिजली चली गई, अरे उधर भागो भागो, उधर चलो उधर चलो, अभी डीजी को स्टार्ट करना, ऐसा नहीं है। आप कहीं भी काम करो कोई सुने, क्योंकि आपके पास एक नहीं दो नहीं 50-100 साइड्स है, बहुत सारे साइड्स होते हैं, तो इस वजह से क्या है ना, ऑटोमेशन में रखेंगे, टेक्नीशियन का भागदौड़ कम हो जाएगा,
और हमारा जो है मतलब जो ऑफ टाइम जो है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि फेलोर नहीं होगा, सो ऑफ टाइम बढ़ जाएगा, ये भी ऑटोमेशन में रखना चाहिए। नंबर थ्री, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी इक्विपमेंट बहुत सारे हैं और सारे इक्विपमेंट्स कुछ ना कुछ अलार्म्स फेंकते हैं। कुछ प्रॉब्लम मान लीजिए डीजी फेल स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो एक अलार्म आपको मिलेगा, नाम है डीजी फेल टू स्टार्ट, ठीक है। और डीजी बंद नहीं हो रहा, यार ई बी आ गई है, और ई बी आने के वजह से डीजी बंद हो जाना चाहिए, ई बी के थ्रू हमारा लोड जाना चाहिए, लेकिन अभी डीजी बंद नहीं हो रहा, तो एक अलार्म मिल जाएगा आपको डीजी फेल टू स्टॉप। ऐसे बहुत सारा अलार्म्स है, ये सारा अलार्म्स जो है ये सिमुलेट होना चाहिए, आपका जो नॉक होता है नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर जो है उसके साथ सिमुलेट होना चाहिए, और इसको मेंटेन भी करना चाहिए। सो सिमुलेशन, अलार्म सिमुलेशन, अलार्म सिमुलेशन एंड मेंटेनेंस, ठीक है। और चौथा पॉइंट है, पर्टिकुलरली मैं टेलीकॉम फील्ड की जो नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, चौथा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, वो होता है LLVD एंड BLVD। LLVD मतलब होता है लोड लो वोल्टेज डिस्कनेक्ट, BLVD मतलब बैटरी लो वोल्टेज डिस्कनेक्ट। तो ये इसको लेके मैं आगे वीडियो बना के दे दूंगा आपको। और ये जैसे कि ऑटोमेशन, मेरा अगला वीडियो जो है ऑटोमेशन के ऊपर होने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कोई भी जो भी बंदा इस फील्ड में काम कर रहा है, टेलीकॉम फील्ड में काम कर रहा है, ये वीडियो काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। ये मेरा अगला वीडियो है, आपको नेक्स्ट वीक तक मिल जाएगा। और ये जो LLVD एंड BLVD जो है इसके ऊपर मैं भी वीडियो में बना के दूंगा। अभी फिलहाल के लिए हमको ये बताना है कि ये जो LLVD है और BLVD है जो हमारा SMPS के अंदर है, तो इसका जो सेटिंग होता है एज पर कंपनी, कंपनी अलग अलग है, बहुत सारे कंपनी है, जैसे कि इंडस हो गया, कोई ATC हो गया, कि रिलायंस जो बहुत सारे कंपनी, सब कंपनी का कुछ ना कुछ सेट पॉइंट अलग अलग रहता है। तो जो भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, आपका कंपनी आपको क्या गाइडलाइंस दिया है उस हिसाब से उसका सेटिंग जो है ये होना चाहिए, ठीक है। इसका प्रॉपर सेटिंग होना चाहिए, मतलब कि इसका नो बाईपास, BLVD LLVD का कोई बाईपास नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या फायदा होगा, हमारा ऑफ टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। नंबर फाइव, कुछ क्रिटिकल अलार्म होते हैं, बहुत सारा क्रिटिकल अलार्म्स को क्या देना चाहिए, इंपोर्टेंस देना चाहिए, और इमरजेंसी बेसिस में उसको अटेंड करना चाहिए। अलार्म का दो अलग, दो तीन टाइप का अलार्म होता है, एक हो गया माइनर, एक हो गया मेजर, एक हो गया क्रिटिकल। माइनर मतलब अलार्म, मतलब अलार्म है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वो तो अलार्म फेंकेगा, तो उसको हम अलार्म ही बोलेंगे। लेकिन कुछ अलार्म ऐसा है, खराबी तो है लेकिन आज नहीं जाने से चलेगा, अभी नहीं जाने से चलेगा, हम इसको बाद में जाकर अटेंड कर सकते हैं, ये हो जाता है माइनर अलार्म। मेजर अलार्म, मेजर अलार्म मतलब थोड़ा सा उसका क्रिटिकलिटी ज़्यादा है, माइनर मतलब अभी इसका जो है इसको करेंगे, हो सकता है हम जाके, हम अभी घर से निकल गया और पहुँचने के बाद में मैं कर सकता हूँ, ये हो गया मेजर अलार्म। और क्रिटिकल अलार्म इसका मतलब है कि सबसे, जैसे कि और कोई मतलब ये नहीं है, आपको जाना ही है, साइड जाना है, उसको अटेंड करना, वो अलार्म का अटेंड करना है। तो इसलिए बोलता हूँ कि जो क्रिटिकल अलार्म्स वगैरह होता है उसका इम्पोर्टेंस, इसको इम्पोर्टेंस देना और उसको इमरजेंसी बेसिस में उसको अटेंड करना, वो अलार्म को क्लियर कर देना, ठीक है। नंबर सिक्स जो है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो डीजल स्टॉक है, एक मिनिमम डीजल स्टॉक को मेंटेन करना है, मेंटेन मिनिमम डीजल स्टॉक। बिजली चली गई और आपका इधर डीजी तो है लेकिन डीजी स्टार्ट नहीं हो रहा है, रीजन क्या है, ना डीजी में डीजल नहीं है, तो ये कारण की वजह से भी हमारा साइट डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। और जो आखिरी पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, कॉम्पिटेंट मैन पावर, कॉम्पिटेंट मैन पावर, जो भी हमारा साइड में भाई लोग आप काम कर रहे हो, ठीक है, जो भी इंजीनियर्स भी काम कर रहा है, कोई टेक्नीशियन काम कर रहा है, कोई रिगर काम, कोई भी जो भी हमारा बंदा उधर साइड में काम कर रहा है, वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। इसका मतलब, कॉम्पिटेंट का मतलब है स्किल्ड होना चाहिए, जितने सारा हमारा सिस्टम है, सिस्टम के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जो भी सिस्टम में इक्विपमेंट्स यूज होते हैं सारा सिस्टम, ये जो इक्विपमेंट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, उसका प्रॉपर मेंटेनेंस कैसा होता है उसको भी, वो उसके पास वो नॉलेज होना चाहिए, और सेफ्टी के साथ काम कैसे करना है वो भी नॉलेज, इसको हम बोलते हैं कॉम्पिटेंट मैन पावर। तो
तो ये कितना, ये जितने सारे पॉइंट मैंने बताया, अगर इसको हम साइड में मेंटेन मतलब इसको फॉलो कर सकते हैं, इसको हम मतलब इसका जो स्टैंडर्ड को सब बजाए रखते हैं, तब जाके हमारा अप टाइम जो है हम फुलफिल कर सकते हैं। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, यहीं पर ख़त्म होता है हमारा आज का वीडियो, जो टॉपिक था अप टाइम के बारे में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप नए हो मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय।